सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सबका गुरुवर क्लासेस में। और जैसा हम चर्चा कर रहे थे साइंस एंड एनसीईआरटी साइंस एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी साइंस लिस्ट की पार्ट 1 6 to 8 हमारा चल रहा था, जिसकी हमारी 5 क्लास एंड 1 टेस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं और क्लास 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्लास 6 मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, ये जो टेस्ट ये जो सीरीज चल रही है किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी यूपी टेट पेपर 2 साइंस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर एडिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट पेपर 2 साइंस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या DSSP TGT नेचुरल साइंस तैयारी कर रहे हैं या जनरल साइंस तैयारी कर रहे हैं किसी वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए ये यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, हम सिलेबस एक बार दिखा देते हैं जिस सिलेबस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये सिलेबस है और यहाँ पर हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा तक हमने पढ़ लिया था, सूक्ष्मजीवी उनका वर्गीकरण तक हमने पढ़ लिया था और अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, छठी वाली क्लास से जिसने नहीं देखी है वो वीडियोस आई बटन पर क्लिक कर देना, वो पूरी आपको वीडियोस दिख जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मेरा नाम है शगुन कौशिक, मुझे लिखना पसंद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट फिजिक्स ऑनर्स और आप सब जानते हैं डाइट कार्ड BTC 2015 वैच यूपी टेट क्वालिफाइड सी टेट क्वालिफाइड DSSP DOEP RT क्वालिफाइड और 69,000 वैकेंसी क्वालिफाइड। ठीक है, दिस यूनिट कवर्स कोशिका से अंगतंत्र तक, मतलब अंगतंत्र कैसे बनते हैं कोशिका से वहाँ तक हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी NCERT और SCERT की बुक्स होंगी उसमें मैंने लिख दिया है कौन सी NCERT और कौन सी क्लास की है। चैप्टर नंबर आपको यहाँ दिखी जाएगा, चैप्टर नंबर 8 है, इस 6 की NCERT है। जो महत्वपूर्ण होगा उसे ही पढ़ेंगे, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने कर दिया है लाल पीला हरा। तो सबसे पहले तो आप ये जाने संधि किसे कहते हैं। देखो, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा और गर्दन। ठीक है, इसे हम कहते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं, शरीर में जो स्थान होते हैं जहाँ से हम घुमा या मोड़ सकते हैं उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब ये 6 क्लास की है तो बच्चों के हिसाब से लिखी गई है, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। आपकी उंगली अंगुली द्वारा आपके सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली और पादांगुलियों को दबाइए। कि आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपकी उंगलियाँ किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं, ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। ठीक है, जिसे नहीं पता अस्थियां किसे कहते हैं वो दबा के देख लियो, पता चल जाएगा। जो हार्ट सी संरचना है वो अस्थियां हैं। ठीक है, अब संधियों के प्रकार जानते हैं। पहली संधि है कंदुक खल्ली का संधि। अब ये याद रखनी है कौन सी कहाँ है। ठीक है, कंदुक खल्ली का संधि ये क्या होती है, देखो ये चित्र बन रहा है। कंदुक खल्ली का संधि मतलब एक खोल में एक गेंद होगी, इस तरह की संधि होगी। ये एक्सपेरिमेंट करके बना भी सकते हैं आप, कैसे कागज का बेलन लेना है और उसके गेंद में जोड़ देना है और कटोरी में जो घूमेगी तो उसे हम कहेंगे कंदुक खल्ली का संधि। कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद इसका सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। उस अस्थि का गेंद वाला हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। ठीक है, गुहिका मतलब जो गुफा होती है। ठीक है, इसमें इस तरीके से धंसा होता है। तो ये होती है कंदुक खल्ली का संधि। ये कहाँ पाई जाती है, ये देखो जांघ की अस्थि को जोड़ रही है जो आपके श्रोणी अस्थि है उससे। ठीक है, धुराग्र संधि। धुराग्र संधि किसे कहते हैं, धुर का आग्र का संधि मतलब गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। समझ गए, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं, ये रही धुराग्र संधि। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में इस तरीके से घूमती है। हिंज संधि। हिंज संधि किसे कहते हैं, देखो ये है हिंज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक घूम गति कर सकती है हिंज संधि। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है जिसे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। ठीक है, ये घुटने की हिंज संधि है, मतलब आप इसे इस तरीके से है तो आप इसको इस तरीके से खोल सकते हैं, इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं हिंज संधि या कब्जा संधि। तो 3 संधि हमने पढ़ी अभी तक। कंदुक खल्ली का संधि, ठीक है, वो होती है आपके यहाँ पे क्या कहते हैं इस भाग को, मतलब जो आपके जांघ की अस्थि को जोड़ता है मेन भाग से धड़ से, वो कंदुक खल्ली का संधि वहाँ होती है। धुराग्र संधि सिर में होती है और तीसरी होती है हिंज संधि, वो आपकी कोहनी में होती है। एक और होती है अचल संधि। अचल संधि किसे कहते हैं, देखो है तो संधि पर उसमें ना गति नहीं होती बीच में। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ उन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि। आपने कभी ध्यान करो आपका जबड़ा नीचे वाला हिलता ऊपर वाला नहीं हिलता, तो ऊपर जो जबड़ा है तुम्हारा और कपाल है
खोपड़ा है उसके मध्य जो संधि है उसे अचल संधि कहते हैं, क्योंकि चलती नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। अस्थियों से बने ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। हड्डी का काम करती है, एक दृढ़ रूप देती है शरीर को, यह है मानव कंकाल। ठीक है, ये एक्सरे है आपने, आई विश ठीक अभी देखना ना पड़े पर देखा जरूर होगा एक बार। आपकी लचीली कलाई है, आपकी कलाई लचीली है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कारपोल कहते हैं। तो कारपोल जो है वो कौन सी अस्थियों का नाम है जो कलाई में पाई जाती है, अस्थियाँ हैं जो लचीली होती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये हाथ की अस्थियाँ दिखा रखी इन्होंने। उसके बाद पसलियाँ, किस पसलियाँ कौन सी होती हैं, पसली पंजर और या पसलियाँ? पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं, पसलियाँ जो होती हैं मुड़ी हुई अस्थियाँ होती हैं ये जो है। ठीक है, ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। वक्ष की अस्थि मतलब जो आपके सीने के बीच में होती है अस्थि वहाँ से, और मेरुदंड मतलब कमर वाली जो अस्थि होती है बड़ी सी रीढ़ की हड्डी उससे मिलकर जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं पसलियाँ। ठीक है, इस शंकुरु की बक्से को पसली पंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, वक्ष के दोनों तरफ जो होती हैं 12 पसलियाँ होती हैं। चलो, मेरुदंड तो पता ही है कमर वाली जो हड्डी होती है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड के जो पार्ट होते हैं ना छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, मेरुदंड में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से बना होता है और अस्थि पंजर में 12 पसलियाँ होती है दोनों तरफ। ठीक है, पसली पंजर भी वक्षस्थल की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेरुदंड का चित्र मैंने आपको दिखाई दिया, कंधे की अस्थियाँ ये आपको देख लो चौड़ी सी। चित्र 8.13 को ध्यान से देखिए। 8.13 ये रही श्रोणी अस्थियाँ। यह संरचना श्रोणी अस्थियाँ हैं, यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ठीक है, तो जिसके सहारे आप बैठते हैं ना उस श्रोणी अस्थियों के सहारे बैठते हैं। जो कोर सा पार्ट होता है इसके ऊपर मांस वगैरह हो जाता है, तो ये होती हैं श्रोणी अस्थियाँ। और ये जो है ये आपकी अभी हमने पढ़ाई थी, कौन सी थी अस्थियाँ? ये थी कंदुक खल्ली का संधि। ठीक है, कंदुक खल्ली का संधि इसमें है ही। ठीक है, और आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे के जुड़ने से बनी होती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिवृद्ध करके उसकी रक्षा करती है। खोपड़ी में भी बहुत सारी अस्थियाँ होती हैं। ये जो है ऊपर वाले जबड़े की ये होती है अचल संधि होती है यहाँ पे। ठीक है, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियाँ जितनी कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है, जिन्हें उपास्थि कहते हैं। अब देखो, जो मांस होता है और अस्थि होता है उसके बीच का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं उपास्थि। देखो यहाँ पर होती है उपास्थि, कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है, सर आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो होता है कर्णपाली होता है, इसमें कोई अस्थि नहीं होती। ठीक है, आप देख सकते हैं। अस्थि को गति प्रदान में करने में दो पेशियाँ संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी पेशियाँ होती हैं ना, पेशियाँ क्या होती हैं, पेशियाँ या ऊतक क्या होते हैं, मैं अभी नीचे इसमें चर्चा आएगी। ठीक है, तो मैं डिटेल में तब बताऊँगा, पर ये समझो कि पेशियाँ एक ऐसी संरचना होती है जो या तो सिकुड़ सकती है, ठीक है, या तो सिकुड़ सकती है ऐसे करके, या फिर फैल सकती है ऐसे करके, जैसे ये है। ठीक है, दो इसके पार्ट होते हैं, पर ये किसी चीज़ को धक्का नहीं दे सकती। धक्का देने के लिए क्या करते हैं कि एक अस्थि एक सिकुड़ेगी और एक फैलेगी। ठीक है, जैसे ऊपर वाली है, अभी दिखाते हैं। जब इसमें आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है इसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण पेशियाँ उभर जाती हैं, सब कुछ मतलब छोटी होने के कारण। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। ठीक है, तो जब ये छोटी हो जाती है तो ये हड्डियाँ ना ये ऊपर को जाती हैं, इस तरीके की क्रियाविधि होती है इनकी, इसकी वजह से आप कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींची जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल या लंबाई बढ़कर पतली हो जाती है, उस अवस्था में आ जाती है। ठीक है, जैसे आप डोला फुलाएंगे तो नीचे वाली सिकुड़ जाएगी, ऊपर वाली मतलब ऊपर वाली सिकुड़ जाएगी जिसके कारण मोटी हो जाएगी, और नीचे वाली फैल जाएगी जिसके कारण पतली हो जाएगी। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति प्रदान के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों का संयुक्त रूप से कार्य करना आवश्यक है। ठीक है, जंतुओं की चाल के बारे में पढ़ते हैं। तो बताइए, केंचुए कैसे चलते हैं? चलते हुए देखे ही होंगे, वैसे ही बरसात का मौसम है। केंचुओं का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे हुए अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुए अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़ रहते हैं तथा अग्रभाग को फैलाते हैं। ठीक है, होता क्या है, इस तरीके से जिसका छुआ है तो नीचे ये वाला स्थिर कर लेगा और इसे फैलाएगा तो वो लंबा हो जाएगा, फिर इसे स्थिर कर लेगा।
ठीक है, इसे सिकोड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पश्चभाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्चभाग को आगे की ओर खींचता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से सिकुड़ कर चलता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जिसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन के किसी प्रकार टिकाता है। इसके हिस्से शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बालू बाल जैसी संरचना होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में इसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो छोटे छोटे सूख होते हैं, बाल जैसी संरचना, बाल नहीं होते, सूख होते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है जिससे पौधों को फायदा पहुंचता है। ठीक, किसान का मित्र भी कहते हैं केचुए को। अच्छा, घोंगा, घोंगे के बारे में पढ़ते हैं। किसी बगीचे में घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। ठीक है, जो ये कंकाल बना होता है ना, कवच घोंगे का, यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। ठीक है, एक पार्ट में होता है पर यह चलने में कोई सहायता नहीं करता। ये जस्ट आवरण है उसका, ना ये हड्डियों का बना होता है, बस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, घोंगे की, ये घोंगा है। कवच का छेद खुलने पर आपने उसमें एक मोटी मांसल संरचना उस सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद है और जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। ठीक है, और पतली संरचना इसका सिर, वो पूछ नहीं। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना इसका पाद है और सिर अलग दिखता है, सिर ऐसा आ जाता है, मोटी मांसल संरचना पाद होती है। कॉकरोच के बारे में बात करते हैं हम। देखो, कोशिका से अंगतंत्र हम पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जंतु गति कैसे करते हैं, यह क्या अंग किस प्रकार सहायता करता है। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि केचू को चलने में क्या सहायता करता है, और उसमें ऑप्शन में सूख दिया हो जो आपको सूख मारना है, मतलब सूख पे टिक मारना है। ठीक है, और ऐसा आ सकता है घोंगे को चलने में सहायता करता है, जो चल सहायता नहीं करता है। ठीक है, मांसल और उसका ये भी ऑप्शन हो सकता है, कवच, तो कवच इसमें चलने में कोई सहायता नहीं करता। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पढ़ते रहना है। किसी कॉकरोच या तिलचट्टे का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। भाई साहब, कॉकरोच का तो कुछ कहना ही नहीं है, इसमें आएगा, देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी पैर होते हैं? तीन जोड़ी, चलने में सहायता करते हैं। एक दो तीन जोड़ी पैर हैं, तीन दर तीन दर। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव होती है। बक्ष से दो जोड़े पंख भी निकले होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े बहुत पतले होते हैं। तिल्लियों में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की संरचना इन्हें चलने में सहायता करती हैं। बक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती है। ठीक है, कॉकरोच या तिलचट्टा ऐसा होता है। एक बात और, ये तिलचट्टा जो होता है जो उल्टा हो जाता है, इससे सीधा नहीं हुआ जाता। और एक बहुत मजे की बात है जो बताऊंगा, अभी देखता हूँ आगे आनी चाहिए। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। क्या समझे? इनकी हड्डियां जो हैं खोखली होती हैं, जिसमें हवा भरी होती है, तो इसके कारण ये ना हल्की होती हैं पर मजबूत भी होती हैं। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनते हैं। पक्षी के पंख कौन बनते हैं? अग्रपाद, अगले जो पांव होते हैं वो रूपांतरित होकर। ठीक है, कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। बक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पंखों पेशियों को जकड़ने रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। ठीक है, ताकि ये जुड़ी रहे, मैं और ये भी मजबूत होती हैं तथा पंखे ऊपर नीचे करने में सहायता कर सहायक होती हैं। ठीक है, चलो अब मछली की बात करते हैं। मछलियाँ कैसे गति करती हैं? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्यभाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। ठीक है, तो पानी में पानी काटने में काम आता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। धारा रेखीय आकृति से क्या मतलब होता है? जब किसी भी चीज़ का अगला और पिछला भाग नुकीला हो, ठीक है, तो उसे धारा रेखीय कहते हैं। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। समझ गए? एक जो ये फड़फड़ाती है, मछलियाँ चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती हैं। तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल जाती है। देखो, इसमें पंख वंख तो होते नहीं, ठीक है, तो कैसे चलती है? इससे तो ये काटती है, मतलब रास्ता इधर उधर को होती है, ये क्या करती है, इस तरीके से मुड़ेगी, सिर इधर को होएगा तो पैर इधर को होंगे, मतलब पश्चपाद अग्रपाद अगर इधर को होगा तो पैर दूसरी तरफ को होंगे, और वो झटका मारेगी तो आगे चलेगी। ऐसे ही जैसे इसमें देखो आप, इसमें सिर इधर को हो गया, पैर इधर को हो गया, जब इसे सीधा करेगी ना तो झटका लगेगा और आगे चलेगी। इस तरीके से मछलियाँ चलती हैं। तुम्हारी तो नॉर्मल बात होगी, बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है जानना, हालांकि आपको भी लग सकता है अगर आपको नहीं पता मछलियाँ कैसे चलती हैं। ठीक है,
पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी मदद करते हैं। ठीक है चलो। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने के लिए एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है गोताखोर अपने पैरों पर इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र या फ्लीपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। इस चीज़ का अध्ययन करके ही फ्लीपर्स पहनना स्टार्ट करा गोताखोरों ने। ठीक है, आप सर्प कैसे चलते हैं, सांप कैसे चलते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। ठीक है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, कितनी दूर हो पसलियां मुझे पेशियां इसकी जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक बलों में मुड़ा होता है, इस प्रकार सर्प का प्रत्येक बल उसे आगे की ओर धकेलता है। ठीक है, जितने बल पड़ेंगे उतनी तेज चलेगा, ऐसे धक्का मारेगा वही मछली वाला कॉन्सेप्ट, तो आगे की ओर आएगा। बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है, सांप सरल रेखा में नहीं चलता है, बल डालेगा फिर चलेगा। प्रसिद्ध ग्रीस दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे। तो गैट ऑफ एनिमल्स किसने लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी। ठीक है चलो। बेहतर जीवन के लिए योग संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग की कई मुद्राएं हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं जिससे हस्तियाँ मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ाई था, मेरुदंड पढ़ लिया, पेशियाँ पढ़ लिया, कंदुखली का संधि पढ़ लिया जो नीचे वाली होती है जांघ की हड्डी वाली, सूक पढ़ लिया, सूक क्या होते हैं जो केंचुए के निकले होते हैं, बाह्य कंकाल पढ़ लिया, श्रोणि अस्थियां पढ़ लिया वही होती है जिस पर तुम बैठते हो, उपास्थि पढ़ लिया, दुराग्र संधि पढ़ लिया जो सिर की संधि होती है, गुहिका पढ़ लिया, गुहिका मतलब वो बोल खोखला जिसमें वो गेंद जुड़ी होती है, ठीक है वो गुहिका होती है, अचल संधि पढ़ लिया, पसली बंजर पढ़ लिया, कंधे की अस्थियां पढ़ लिया, जंतुओं की चाल पढ़ लिया, कंकाल पढ़ लिया, हिंज संधि भी पढ़ लिया जो कोहनी की होती है और उसकी होती है पैर की मतलब घुटने की धारा रेखी, अब भी समझ गए। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैसले फैलने से अस्थियां गति प्रदान गति करती हैं, ये तो हमने पढ़ा ही दिया। तिल चट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। बक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिल चट्टे को चलने उड़ने में सहायता करती हैं। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केचुए को भूमि पर चलने में सहायता करते हैं। घोंगा पेशीय पात की सहायता चलता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन करें क्या, अस्थियों की संधि शरीर को मूवमेंट करने में सहायता करती है, चलने में सहायता करती है। मैं ऐसा करता हूँ ना, आपको भाई पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद एमसीक्यूज ले आऊँगा। ठीक है, तो उससे पढ़ लेंगे। अब हम चैप्टर 8 पढ़ते हैं, क्लास 8 का एनसीईआरटी का, कोशिका संरचना एवं प्रकार। ठीक है, जीवों का तुमने चलना देख ही लिया, अब पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका किसे कहते हैं, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज कैसे हुई थी, रॉबर्ट हुक थे, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क के स्लाइस को सामान्य आवर्धक लेंस की सहायता से अध्ययन किया। ये कोर्क की स्लाइस है, कोर्क किसे कहते हैं पता है, जो वाइन बंद करने के लिए जो ढक्कन लगाते हैं ना लकड़ी का, उसे कोर्क कहते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है वाइन बंद करने के लिए, किसी बोतल को बंद करने के लिए कर सकते हैं। कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है, इन्होंने कोर्क की पतली स्लाइस ली, उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कोर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे, इंग्लिश में से कहते हैं सेल। ठीक है, तो उसमें सेल बने देखे, सेल मतलब विभाजित हिस्से समान आकार के। तो उन्होंने ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए, ये देखो ये दिख रहे हैं, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया कोशिका। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष अथवा बॉस एक दूसरे से दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं। सचिव को जीवित कोशिकाओं की संवर्धित सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद ही देखा जा सका। ठीक है, रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका संरचना एवं कार्य के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी नेत्र के कारण ही संभव हो चुका है। ठीक है, तो मुर्गे का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो क्या तुम किसी कोशिका को नग्न आंखों से देख सकते हो, देख सकते हो, डिपेंड करता है किसकी कोशिका देख रहे हो। जैसे मुर्गी का अंडा जो है एक कोशिका है, ठीक है, उसे आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं बहुकोशिकीय जीव है। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है जो एक निश्चित अंडा है। ठीक है, मतलब अपने जीवन का प्रारंभ भी एक ही कोशिका से होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, जिसे निषेचित अंडा कहते हैं। निषेचित अंडा
गुणन करता है तथा वृद्धि में परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, चित्र 8.3 ए और बी को देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका से बने हैं। एकल कोशिका, एक कोशिका से बनने वाले जीव को यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, ये देखो अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों एक कोशिकीय जीव हैं, मतलब सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही होती है। जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं पर कोई भी कोशिका स्वतंत्र नहीं है, सबका एक सम्मिलित रूप से हमारा शरीर बना हुआ है। कभी खैर दर्शन के बारे में बात करेंगे तब हम इसे अच्छे से बताएंगे। और एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रिया करता है जो बहुकोशिकीय जीव द्वारा की जाती है, मतलब प्रजनन, श्वसन, पाचन वगैरह सब काम होता है एक कोशिकीय जीवों में। कोशिका की आकृति, अमीबा कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें पादाव कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय तथा भोजन को अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, अमीबा की बदली हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है जो इसे गति प्रदान करने और भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, अच्छा अगली लाइन पढ़ो। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC क्या काम करती हैं? देखो WBC भी ना आकृति बदल के, मान लो कुछ चीज़ तुम्हारे शरीर में आ गई जो अवांछनीय है या जो तुम्हारे शरीर को नहीं चाहिए, नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, तो उसे क्या करेगा, WBC घेर लेगा, उसे खा जाएगा। इस तरीके से वो भी अपनी आकृति बदल देता है। WBC एक कोशिका है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। WBC और इसमें ये अंतर है। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तुर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं जैसे तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी होती हैं एक्चुअल में। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती हैं। तो ये कोशिकाओं के विभिन्न आकार दिखाई देते हैं। गोलाकार रक्त कोशिकाएं, ठीक है, तुर्क रूप पेशी कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं तुर्क रूप ही होती हैं लंबी लंबी, और लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं। ये इस तरीके की तीनों एक कोशिकाएं ही हैं। कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधे और जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो झिल्ली के अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा आवरण होता है तो कोशिका भित्ति होती है पादप में। भित्ति का मतलब होता है दीवार। ठीक है, यह कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। जीवाणु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जीवाणु में भी पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कोशिका का साइज कितना होता है? सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 1,000,000वां भाग होता है, माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ 6 सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा एवं आवर्तित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज कितना है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा है जिसका साइज ये है 17 सेंटीमीटर × 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए बात। मतलब सबसे बड़ा कोशिका क्या होती है? कुछ शुतुरमुर्ग अंडा होती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन याद कर लो। और सबसे छोटा जो साइज होता है कोशिका का वो होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, 1 मीटर माइक्रोमीटर भी नहीं होता। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतुओं के साइज से नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हाथी की कोशिकाएं चूहे के कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों ये जरूरी नहीं है। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है, काम करने से है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती हैं या संदेश के स्थान पर कार्य करती है। मतलब कोशिका से ये डिपेंड नहीं करता, बिल्डिंग ब्लॉक ये डिपेंड नहीं करते कि कितना बड़ा साइज है। कहने का मतलब ये है कि कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि ईंटें भी बड़ी लगी हों। ठीक है, ईंटें बड़ी लगेंगी उसका कोई निश्चित कारण होगा। तो काम के आधार पर कोशिकाओं का साइज डिपेंड करता है, साइज के आधार पर नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चूहा है और जो हाथी है उन दोनों की कोशिकाएं की संख्या ज़्यादा हो सकती है पर लंबाई सेम ही होती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे अंगों से बना होता है जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य प्रदान करता है। अब तुम देखो क्या हो क्या रहा है। देखो कोशिकाएं मिलकर बना रही हैं ऊतक। ठीक है, कोशिका है, कोशिका मिलकर बना रही हैं ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक मतलब विशेष कार्य के लिए बनी कोशिकाएं होती हैं और ऊतकों का समूह होता है अंग। ठीक है, इस डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। कोशिका झिल्ली, कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक। कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं सरंध होती है।
तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आगमन का नियमन करती है। ठीक है, मतलब सैरंध होती है, मतलब उसके आर पार जाया जा सकता है सामानों को, ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब तुम्हें अगर कोशिका देखनी है तो उसका एक तरीका दे रखा है कि प्याज के ऊपर की गुलाबी परत को हटा दो, ठीक है, अब सफ़ेद परत को अलग अलग करके और उसे सूक्ष्मदर्शी में रख के देखो, या फिर उस पर मिथाइल ब्लू की कुछ बूंदें डालकर कवर स्लिप रखो। कवर स्लिप के समय इस बात का ध्यान रखना कवर स्लिप में पाई के बिल्कुल ना हो, सूक्ष्मदर्शी के अंदर स्लाइड रखो। मिथाइल ब्लू से क्या होगा, रंग बिरंगी हो जाएंगी तो ज़्यादा साफ दिखाएंगी। ठीक है, तो ये जो सीमा है ये कोशिका झिल्ली है, ये जो सीमा है ये कोशिका झिल्ली है एक्चुअली। ठीक है, जो एक द्रवणाबद्ध होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ये दृढ़ आवरण जो कोशिका भित्ति है इसके नीचे झिल्ली होगी। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, इसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो भरा होता है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में, वो कोशिका द्रव्य भरा होता है। ठीक है, प्याज की झिल्ली में दिखा दिया, इसमें एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली का आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, मैंने बताया था अभी, और एक जीवाणु कोशिका में पाई जाती है, ये चीज़ भी याद रखनी है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वे इन परिवर्तन से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते, आदमी तो भाग जाता है, ये भागते नहीं है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रोडेंस केरिया इलोदिया तथा अथवा राइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। ठीक है, कोशिकाओं का प्रेक्षण जो है इन पत्तियों से किया जा सकता है, कि पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी इस प्रकार बना सकते हैं, मतलब पौधों के नाम दे रखे हैं कि अगर तुम्हें देखना हो जिस प्रकार पे आपकी स्लाइड बनाई थी। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, फिर इसे हटा दो इम्पोर्टेंट से। ठीक है, अगली बात करते हैं, मनुष्य के गाल। देखो, गाल पर अगर डालोगे ना तो गाल से भी आप छोटी सी परत निकाल सकते हो, गाल की जो खाल है वो निकलती रहती है छोटी छोटी, तो उसकी परत निकाल के भी मनुष्य गाल की कोशिकाएं भी देख सकते हो, वो कुछ इस तरीके की दिखेंगी। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्र द्रव्य सब दिखेगा। ठीक है, कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जीकाय, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रहा होता है, गोल्जीकाय का, राइबोसोम का, और क्या होते हैं इनकी हम जो है अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। केंद्रक सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण घटक है, सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके कोशिका के नीचे देखा जा सकता है। कोशिका केंद्रक कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, एक बाउंड्री तो होनी चाहिए, अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सैरंध होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच पदार्थों के आगमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी, मतलब उस गोल वाले पार्ट के अंदर भी एक छोटी सघन संरचना दिखाई देगी जिसे केंद्रिका कहेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। अब आप समझो ध्यान से, यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप समझो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मानव या कोई भी जंतु जो है स्टार्टिंग उसकी एक कोशिका से होती है, उसे एक कोशिका के जो चारों तरफ होती है वो झिल्ली होती है, उसके बीच में केंद्रक होता है, केंद्र के चारों केंद्र झिल्ली होती है, और उस केंद्रक के बीच में एक सघन संरचना होगी जिसे केंद्रिका कहेंगे, और उसके साइड में ना धागे धागे नुमा संरचना पड़ी होगी जिसे क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहेंगे। जब कोशिका विभाजन होगा तो गुणसूत्र दिखाई देंगे, और उस गुणसूत्र में आपका सारा ब्यौरा होता है, आपकी आँखें, नाक, कान, गला कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, पढ़ने में कैसे होगी, मतलब कुछ हद तक प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है, यह जनक से संतुति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, परंतु जनक द्वारा विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणामस्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। सजीव कोशिका के समग्र घटक को जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो समग्र घटक है मतलब सारा जो मिलाया गया सजीव कोशिका में होता है, चाहे केंद्र के बीच में भरा हो, चाहे कोशिका भित्ति के बीच में भरा हो और केंद्र के बीच में, तो उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। कोशिका का जीवित पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बने होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और हरनीर सवाल इसके उदाहरण हैं। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बने होते हैं।
हैं, जो केंद्रक जो पदार्थ होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के ही बने होंगे, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं? जीवाणु, हरे नीले शैवाल। ठीक है, प्याज की झिल्ली एवं गाल की संरचना, कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्र पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसी ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोटिक कहलाते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो चीज़ें होती हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो उसकी कोशिका झिल्ली होती है उसमें ही सब कुछ होता है, केंद्र पदार्थ जो होता है कोशिका झिल्ली का ही बना होगा। और यूकैरियोटिक में क्या होगा, एक झिल्ली पाई जाएगी जो केंद्रक में भी पदार्थ होता है, मतलब झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से बना हुआ केंद्रक होता है। जिसमें अच्छे तरीके से बना होगा यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं बना होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, प्याज की झिल्ली और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो तो जीवों में पाई जाती हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो हरे नीले शैवाल और जीवाणु में पाई जाती हैं। ठीक है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पर ध्यान दिया है? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक और एवं बड़ी हो सकती है, जैसा कि प्याज की झिल्ली में दिखाई देती है। गाल कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं क्या, एक्चुअल में खाली जगह हैं। ठीक है, जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं, कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, खाली जगह होती है, जैसे बबल्स आ जाते हैं ना, ऐसा समझ लो। ट्राडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी संरचनाएं देखी होंगी, ये पत्तियों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छिपी रहती हैं। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं, या विभिन्न रंगों की होती है, इनमें से कुछ हरा रंग उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब चूंकि हमने वो पत्तियां नहीं देखी, तो इसमें अभी एक बात समझो, कुछ ना उसमें अगर पेड़ पौधों की पत्तियां देखोगे तो उसमें जो एक तो रिक्तिकाएं होंगी जिसमें कुछ ही नहीं होगा, खाली बबल्स होंगे, और एक में क्या होगा, एक मतलब रंगीन संरचनाएं दिखाई देंगी जिसमें से कुछ में हरा हरी होंगी, जो इन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छिद्र रहती हैं, इन्हें प्लास्टिड कहते हैं, यह विभिन्न रंगों के होते हैं। प्लास्टिड के एक प्रकार होता है क्लोरोफिल, रंग बिरंगा जो चीज़ें होती है ना वो प्लास्टिड हो गई, और उस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है एक हरे रंग का जो होगा। ठीक है, इसमें दिखा रखा है, देखो कहाँ है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों दिखा रखी है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका देखो। ठीक है, तो ये ब्लैक ब्लैक जो है ये रिक्तिकाएं हैं, मेरे हिसाब से ये सब रिक्तिका नहीं, रिक्तिकाएं लाल वाली होंगी, ये रिक्तिकाएं हैं, ये रिक्तिकाएं हैं, और ये केंद्रक है। हाँ, कि पादप में तो बड़ी होती है ना रिक्तिकाएं, ये रिक्तिकाएं हैं, जंतु में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ये रिक्तिकाएं हैं, ये केंद्रक है, और ये क्या कहते हैं, प्लास्टिड 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 है ये, और ये जो रंग बिरंगी दिखाई दे रहे हैं हरे, ये हरित लवक हैं, ये क्लोरोफिल। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। ठीक है, समझ गए हम बात, ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। चलो ये तो समझ गए हम बात, आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, पता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, पता है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहती हैं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, या ऐसा कह लो कि सब कुछ ना होता वो उसका ही केंद्रक भित्ति का ही बना होता है, वो भी एक ही बात है, तो इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि पादप कोशिकाओं को चल नहीं सकते ना, तो उन्हें ठंड वगैरह रक्षा करनी है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। हरे प्लास्टिड जिन्हें जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तियां होती हैं। ये हमने पढ़ लिया, और ये भी हमने पढ़ लिया, कोशिका कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति हरित लवक गुणसूत्र कोशिका द्रव्य यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीन बहुकोशिक केंद्रीय झिल्ली केंद्रिका वो जो जो गहन पार्ट होता है केंद्रक के अंदर, केंद्रक अंग कोशिकांग प्लाज्मा झिल्ली प्लास्टिड प्रोकैरियोटिक पादाव आदाब भी पढ़ लिए, इसमें होते हैं अमीबा, ऊतक ऊतक भी पढ़ लिए, एक मतलब जो बहुत सारी कोशिकाएं एक ही तरह काम करने के लिए उपयुक्त होती हैं ऊतक, एक कोशिका रिक्तिका भी पढ़ ली, श्वेतकृत कोशिकाएं भी पढ़ ली। ठीक है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें जिसे कहते हैं GM फसलें होती हैं, मतलब जैसे BT कपास, इसमें क्या होता है, इसमें आनुवांशिक में छेड़छाड़ करके ऐसी कपास बना दी है जिसमें रोग नहीं लगता है। हमारी त्वचा के बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं मृत होती हैं, एक सामान्य वयस्क में लगभग 2 किलो मृत कोशिकाएं मृत त्वचा होती है। प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता है, हर बार जब अपने उंगलियों से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का कुछ भाग क्षयित हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप पढ़ते हैं चैप्टर 6 SCERT कक्षा 8 का। ठीक है, अब मैंने ये तो पढ़ाई दिया था कोशिका,
कोशिका से ऊतक बना होता है, ऊतक से अंग बना होता है, अंग से अंग तंत्र बना होता है, और अंग तंत्र से शरीर बना होता है। कोशिका भी मैंने पढ़ा दिया था, एक कोशिका भी पढ़ा दिया था, बहु कोशिका भी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो मैंने ये बताई थी कि कोशिका की एक विशेषता यह भी कि इनकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होते, जैसे अमीबा अनियमित आकृति होती है, इसमें पादाव होते हैं, चेंज होते रहते हैं। फिर हमें से ये भी पढ़ा दिया था मैंने, प्याज की झिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट भी हो गया था, शुतुरमुर्ग कांड भी बता दिया था कि सबसे बड़ी कोशिका है, और एक बात और, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, यही बता दिया था। सबसे छोटी कोशिका, अब देखो इसमें एक पॉइंट नया मिला, इसलिए तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं तो ये दोबारा SCRT और NCERT साथ पढ़ने का क्या मतलब है। ये कुछ पॉइंट्स एक में दे रखे हैं, कुछ में नहीं दे रखे हैं। देखो सबसे छोटी का कोशिका जो होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोन के मध्य, वो होती है माइकोप्लाज्मा नामक जीव की, ठीक है। ये बात याद रखनी है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था आविष्कार, ये बता दिया। कोशिका झिल्ली बता दिया, कोशिका भित्ति केंद्र, कोशिका द्रव्य सब बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये पढ़ो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करती है और संचित करती है। इसे कोशिका का ऊर्जा हाउस, ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। हरित लवक, ये मैंने आपको बताई दिया, प्लेट्स क्या नाम था उसका, प्लेटेड्स में पाए जाते हैं, क्या था, प्लेस्टिड में पाए जाते हैं हरित लवक, ठीक है। इसमें ये है क्या, केवल हरी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रकाशन संश्लेषण कार्य करते हैं। तारका, यह केंद्र के पास होता है और कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। रिक्तिका, रिक्तिका मैंने पढ़ाई दी, गोल्जी का पदार्थों का संश्लेषण भंडारण और श्रवण करना इसका प्रमुख कार्य है। लाइसोसोम, ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। अब तुम्हें ये चीज़ें पढ़नी है एक्स्ट्रा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा हाउस हो गया, श्वसन में सहयोग करेगा। हरित लवक मैंने बताई दिया, प्लास्टिड में मिलते हैं और हरे रंग के होते हैं। तारकाय, तारकाय कोशिका विभाजन में सहयोग करेगा, केंद्र के पास मिलेगा। गोल्जी का पदार्थों का संश्लेषण मतलब बनाना, भंडारण और श्रवण करना इसका प्रमुख कार्य है। लाइसोसोम, ये पचाने का काम करेगा। लाइसोसोम, राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। संश्लेषण का कार्य वो भी करता है, गोल्जी काय भी, वो पदार्थों का संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। अंतःप्रद्वीय जालिका, झिल्लियों से बनी हुई जटिल संजालनुमा संरचना अंतःप्रद्वीय जालिका कहलाती है, जो कि केंद्र से जुड़ी होती है अथवा इसमें इससे मुक्त रूप में पाई जाती है। यह केंद्र झिल्ली कोशिका द्रव्य की भी संबंध बनाती है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। तो एक अंतःद्रव्यीय जालिका होती है जो केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को जोड़ती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर यहाँ लिखा हुआ है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्यों, क्योंकि पादप चल नहीं सकते, इसलिए ना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम मतलब तारकाय, तारकाय तो होता है इसका मतलब, यह केंद्र के पास पाया जाता है, हाँ तारकाय मतलब होता है इसका, सेंट्रोसोम मतलब तारकाय। रिक्तिका बड़ी और एक संख्या में एक होती है, रिक्तिका छोटी होती है जंतु कोशिकाओं में। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, ठीक है। जो मैंने अभी ऊपर चित्र दिखाया था NCERT वाला, उसमें भी देखा था आपने कि केंद्रक जो था एक साइड में दिखाया था पादप कोशिकाओं में। मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह संकुचन प्रसारण करता है, तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती हैं, और पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है, पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के समूह का कार्य करने में दक्ष होती हैं, वे समूह में रहती हैं। समान रचना एवं उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था, कोशिकाएं जो विशेष कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं उन्हें ऊतक कहते हैं, ठीक है। पादप ऊतक और जंतु ऊतक में क्या अंतर होता है, पादप ऊतक पहले पादप ऊतक पढ़ो, पादप ऊतक में भी दो प्रकार होते हैं। पहली बात तो पादपों में और जंतुओं में क्या अंतर है कि पादप जीवन वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जो होते हैं वो होते हैं प्रविभाजी ऊतक और कुछ होते हैं स्थायी ऊतक, ठीक है। प्रविभाजी ऊतक क्या होते हैं, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों की कलिकाओं के शीर्ष भागों में होती है, ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतकों के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रविभाजी ऊतक, विभाजी ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, ऊतक ऐसे जो ऊतक है ना, हर जगह जो विभाजित हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ये ऊतक कुछ निश्चित पार्टों में मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसकी पत्तियाँ ही बड़ी होती चली गई और पूरे पेड़ के बराबर पत्तियाँ हो गई, ऐसा नहीं होता है। केवल उसकी कलिकाओं में, जड़ में और तने की कलिकाओं में, केवल इनके शीर्ष भागों में मिलते हैं ऐसे ऊतक जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जड़े और तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में, ठीक है। ये देखा रखा है इन्होंने प्याज से प्रविभाजी ऊतक का अध्ययन, ये जो है प्रविभाजी ऊतक दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे बढ़ती जाएगी। एक होता है स्थायी ऊतक, ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करने में लग जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। जड़, तना, पत्ती और अन्य भागों में स्थायी ऊतक देखे जा सकते हैं।
यह दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जटिल ऊतक सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। क्या समझे, दोबारा से बताते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, ऊतक पहली बात वो होते हैं जो विशिष्ट कार्य करने के लिए एक ही प्रकार की जो कोशिकाएँ होती हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। तो अब ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया स्थायी ऊतक, एक हो गया विभाज्य ऊतक। ऊतक विभाज्य ऊतक मतलब जिनका विभाजन होता रहता है, मतलब बढ़ते रहेंगे हमेशा। तो वो कुछ निश्चित जगह पे मिलेंगे, जैसे जड़ पे मिलेंगे या तने में मिलेंगे, जहाँ कलिकाएं फूटती हैं वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं वही जो ऊतक हैं जो बढ़ने शुरू हुए, तो उसमें से कुछ ऊतक जो होते हैं वो चेंज होकर स्थायी ऊतक बन जाते हैं, मतलब निश्चित कार्य करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल ऊतक जैसे तने में लग गए, ठीक है, या उसके तने के ऊपर छाल बन गए, और एक होते हैं जटिल ऊतक, वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अभी ऊतक की डेफिनेशन से डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, पर जो मेन डेफिनेशन थी वो ये थी कि ऊतक में जो सारी कोशिकाएं होती हैं उन सबका काम एक होता है, ठीक है, वो मेन डेफिनेशन थी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो संवहन ऊतक या जटिल ऊतक उन्हें कहते हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलते हैं, मिलकर बने होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं, ठीक है। चलो, बुलड़ अथवा टमाटर का एक छोटा पौधा लें, इसमें दिखा रखा है इन्होंने, रंगीन पानी में पौधों की जड़ को डुबाकर छोड़ दें, लगभग 10 से 15 घंटे पश्चात पौधे को बाहर निकालें, पौधे के तने के अनुप्रस्थ काट यानी क्षैतिज काट लेकर हैंड लेंस की सहायता से देखें क्या दिखाई देता है। केंद्र घेरे में लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें संवहन पुल कहते हैं। संवहन पुल जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक से बने होते हैं, इसका कार्य संवहन होता है। तो ये देखो, तने के बीच में ना ऐसा ऐसा रंगीन पदार्थ मिलेगा, जब तुम रंगीन जल में छोड़ दोगे पौधे को, गुलमोहर, गुलमेहंदी अथवा टमाटर के छोटे पौधे को, तो वो दिखाई देगा, वो ऊतक ही होते हैं। चलो, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पादप ऊतकों का कार्य, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य जाइलम करते हैं। पत्तियों से निर्मित भोजन भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य फ्लोएम करते हैं। तो जाइलम का काम होता है ऊपर पहुँचाना और फ्लोएम का काम होता है नीचे उतारना, ठीक है। जंतु ऊतक, कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक को पढ़ लेते हैं। एक होते हैं एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम ऊतक शरीर और अंगों को बाह्य स्तर बनाते हैं, यह ऊतक पूरे शरीर का बाह्य आवरण बनाते हैं। कौन से, एपिथीलियम ऊतक, इन्हें आवरण ऊतक भी कहा जाता है। खोखले अंग जैसे मुखगुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्तनालिकाओं आदि की भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है, एपिथीलियम की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आगे होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि, रक्त आदि। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं। अस्थि क्या है, संयोजी ऊतक है, क्योंकि विभिन्न अंगों को जोड़ रहा है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। ये ऊतकों के बीच के स्थान को भरने, दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंतरालीय ऊतक, अंतरालीय ऊतक क्या होते हैं, अब जो एपिथीलियम ऊतक थे ना, जो आपकी बाहर वाली परत होती है अंदर वाले पार्टों की, जैसे श्वास नली की, फेफड़ों की, रक्त नलिकाओं की, इसे और उसे जोड़ते हैं त्वचा को। ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में रक्तवाहिनी और तंत्रिका के चारों ओर पाए जाते हैं, ये अंतरालीय ऊतक हो गए। अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि सबसे कठोर ऊतक है, इसमें कैल्शियम और खनिज पाए जाते हैं, इसमें जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है, शरीर को ढांचा प्रदान करने में इसका विशेष योगदान होता है, जबकि उपास्थि लचीला होता है और जैसे बाह्य कारण उपास्थि का बना होता है। रक्त, यह एकमात्र ऊतक है जो तरलावस्था में होता है, रक्त एकमात्र ऐसा ऊतक है और रक्त एक संयोजी ऊतक है, अतः इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, इसमें तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्तिकाएं, श्वेत लाल रक्तकणिकाएं यानी रेड वीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से एनीमिया हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, इसकी कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती हैं, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है, ठीक है। पेशी ऊतक, अब तो हमने तीन प्रकार के ऊतक पढ़े ना, एक तो एपिथीलियम ऊतक जो बाहरी जो हमारे अंग है उनकी आंतरिक जो अंग है उनकी रक्षा करेंगे, दूसरा संयोजी ऊतक पढ़े या ऊतकों को जोड़ेंगे, ये भी तीन प्रकार के हो गए। एक अंतरालीय, ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में जगह को भरेंगे, अस्थि एवं उपास्थि, और तीसरा रक्त। अब तीसरा होता है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक क्या होता है, जो एक अब ये एक्चुअल में काम करेंगे, इसकी इस हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पेशी कोशिकाएं कहती हैं। पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनाते हैं, ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं, ठीक है। जिन्हें हम इच्छानुसार गति कर सकते हैं उन्हें हम ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं, जिन्हें नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक पेशी कहेंगे। ऐच्छिक पेशी ऊतक जो होंगे, सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करने पर पाओगे कि हल्के एवं गहरी रंग की एक के बाद एक धारा रेखीय संरचना दिखाई देती है, जिन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। इस तरह की संरचना दिखेगी, एक के बाद एक गहरे एवं हल्के रंग की, ठीक है, धारा रेखीय, इसे हम कहते हैं रेखित पेशी ऊतक।
तो रेखित पेशी ऊतक जो होते हैं ये आपकी इच्छा से काम करते हैं। ये पेशियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं और प्राय कंकाल से जुड़े होते हैं, ठीक है, कंकाल से प्राय जुड़े होती हैं ये जो होती हैं। अब एक होता है अनिच्छित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक समझ गए या इच्छित पेशी ऊतक समझ गए। अब एक और होता है अनिच्छित पेशी ऊतक, ये जो है पेशी ऊतक के उदाहरण है। आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार होता संकुचन जैसी गतियाँ इच्छित नहीं है, हम इच्छानुसार गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं, ऐसे दिल का धड़कना समझ लो। इसमें पाए जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। मूत्रवाहिनी में भी ये पेशियाँ पाई जाती हैं, इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा निर्कुला होता है, ठीक है, इसे अरेखित पेशी भी कहते हैं। इसमें चित्र दिखा रखा है, नलीनुमा संरचना है, इनका जो सिरा होता है नुकीला होता है, लंबी होती हैं, तो ये हो गई अरेखित, इस तरीके से जुड़ी होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा नुकीला होता है, इन्हें अरेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्धों का प्रसार में संकुचन करती हैं, यह रचना में रेखित पेशी की तरह मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी के समान होती हैं और दिखने में होती हैं ऐसी, ठीक है, दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट नहीं है, रेखित पेशी ऊतक की तरह ही है, पर जो कार्य होता है वो अरेखित पेशी ऊतक का होता है इसका। अब तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वय भी स्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिकाएं कहलाता है। तंत्रिकाएं से अनेक धागे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं। तंत्रिकाएं का एक प्रवर्धन मोटा लंबा एवं छोर पर शाखान्वित होता है, इसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाकाय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, एक कोशिका का तंत्रिका दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में आता है, इस प्रकार जाल सा बना होता है। मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका कोशिका ऊतकों के बने होते हैं। देखो तंत्रिका कोशिका है, ये एक्सोन है इसका लंबा वाला भाग, ये डेंड्रोन है इसका, ये डेंड्रोन है, ये एक्सोन है, ये केंद्रक है और ये तंत्रिका काय है पूरा, ठीक है। तो इसे समझना है, पहले तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, पहले ओवरव्यू देखते हैं। देखो हमने पढ़ा ऊतक, ठीक है, पशुओं के ऊतक की तो बात हो गई थी, कौन से थे, एक तो स्थिर, एक तो विभाज्य ऊतक थे और एक विभाज्य ऊतक नहीं थे, ठीक है, और जो विभाज्य ऊतक नहीं थे वो भी दो प्रकार के थे, एक तो थे स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के थे, एक तो थे सरल ऊतक, एक थे जटिल ऊतक। जटिल ऊतक भी दो प्रकार के थे, एक तो फ्लोएम, एक तो जाइलम, एक तो थे फ्लोएम। जाइलम मतलब जो अवशोषित करेंगे, फ्लोएम मतलब जो पहुँचाएंगे। जंतु ऊतक भी कई प्रकार के हो गए, एक तो हो गए एपिथियम, एपिथीलियम मतलब जो रक्षा करेंगे, दूसरा होगा संयोजी, संयोजी तीन प्रकार के हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया अंतराजालीय जो जगह भरेंगे, एक होता है अस्थि उपास्थि, एक होता रक्त, ठीक है। तीसरा होता है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक भी दो प्रकार के, एक रेखित एक अरेखित। रेखित जो होते हैं वो अपनी इच्छा से काम करेंगे, अरेखित अपनी इच्छा से काम नहीं करेंगे या अनिच्छित काम करेंगे, ठीक है। अब एक और होता है जिसे कहते हैं हृदय पेशी ऊतक, उसकी संरचना बिल्कुल डिफरेंट होती है, देखने में तो रेखित लगता है पर होता अरेखित है काम की तुलना में। एक और होता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक मैंने बता दिया, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है, मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाएगा। तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी संरचना निकली होंगी जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं, जैसे ये निकली हुई है इसे डेंड्रोन कहेंगे। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, एरिया केंद्रक, और एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्रोइट के संपर्क में आता है, ठीक है, और इस तरीके से संपर्क जुड़ता है, जाल समझा जाता है, मस्तिष्क और रीढ़ में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं समन्वय की, ये काम कैसे चलता है, पूरा शरीर का काम कैसे चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, जंतु में समन्वय स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है, एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में तीन मुख्य भाग होते हैं, पहला मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ रज्जु, तीसरा तंत्रिका है, ठीक है। मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित होता है। समय ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है। सुगंध, श्रवण और रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। दूसरा रीढ़ रज्जु, मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली संरचना में परिवर्तित हो जाता है जिसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। चित्र 6.12, ठीक है, 6.12 रीढ़ रज्जु दिख रही है। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। रीढ़ रज्जु में दोनों ओर अनेक तंत्रिका निकलती हैं जिसका समस्त अनैच्छिक कार्यों क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। रीढ़ की हड्डी से रीढ़ रज्जु से नियंत्रित किया जाता है अनैच्छिक क्रियाओं का। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कपोल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं।
कपोल तंत्रिकाएं ये ज्ञान इंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क से सूचना पहुंचाती है, जैसे सुनना, सूंघना, छूना एवं स्वाद आदि की संरचना। रीढ़ तंत्रिकाएं ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, ये रीढ़ से निकलती है। इन तंत्रिकाओं का जाल आंत्रिका और त्वचा में फैला रहता है। सूक्ष्म जंतुओं में जैसे अमीबा और स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ आदि जंतुओं में तंत्र तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त शरीर के प्राणों की भांति तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की वो ये है कि देखो अमीबा और स्पंजों में तो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाएगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, हाइड्रा ज़्यादा हो गया यार कलर, अमीबा और स्पंजों में तो तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, हाइड्रा, एस्केरिस और केचुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, एस्केरिस में और केचुओं में। ये बात आपको याद रखनी है। समस्त कशेरुकी प्राणी की भांति पूर्ण विकसित नहीं होता है पर पाया जाता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? जंतुओं में तंत्रिका संवेदन के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स किसे कहते हैं? जो नियंत्रण के लिए शरीर के संवेदन के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यहाँ दिखा रखी हैं, ठीक है। चित्र साफ आया नहीं है पर नीचे लिस्ट में देख के आपको पता चल जाएगा। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचालित हो जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रेनल की मात्रा जब बढ़ जाती है तब आप क्रोधित अथवा उत्तेजित हो जाते हैं और शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अन्य विशिष्ट हार्मोन नार एड्रेनिन करता है। इस प्रकार शरीर में थायरॉइड, पैराथायरॉइड, पैंक्रियाज, पीयूष ग्रंथि और जननांग आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन से उनके कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ये आपको याद करनी है। पीयूष ग्रंथि, इससे वृद्धि हार्मोन विकसित होता है, शरीर की वृद्धि करता है, इससे कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, पिट्यूट ग्लैंड, ठीक है। थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन करता है, यह शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से गेंगा रोग हो जाता है। पैराथायरॉइड पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनलिन ये आपको बताया था भी, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाज, इसमें इंसुलिन हार्मोन बनता है, ये रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। वृषण नर में टेस्टोस्टेरोन नर जननांग को विकसित करने को प्रेरित करता है, शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करता है और मानव जो आकार होता है उसे सुडोल करता है, मतलब जो ये मांसपेशियां बनती हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण बनती हैं। ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं ये संश्लेषित टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं। अंडाशय मादा में होता है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, मादा के विकास को प्रेरित करता है, अंडाणु के निर्माण को नियंत्रित करता है, ठीक है। पौधों में कैसा चलता है, जैसे काम ये इसमें हो गया। देखो ये तो ग्रंथियाँ याद कर लोगे आप, साथ ही ग्रंथियाँ हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आई कैन प्रोवाइड यू विद द PDF, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों में समन्वयन किस तरीके से होता है? समन्वयन का मतलब होता है कैसे काम चलता है पौधों में, सब जनरली आपस में बातचीत कैसे होती है। तो पौधों में कैसा होता है? हार्मोन समन्वयन के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। चना मटर के पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोट लेते हैं। क्यों खोटते हैं? खोट लेने का मतलब समझ रहे? पहले मतलब जैसे चना होता था, चने के खेत होते थे तो उसमें क्या होता था, चने का साग जरूर बनता था पहले। ऐसा क्यों करते हैं? पौधों को खोट लेने से, और मतलब जब तक वो तोड़ते नहीं थे तब तक अच्छे से फूट के नहीं आता है वो, तो क्या होता है पौधों को खोट लेने से पौधों में जगह जगह और अधिक शाखाएं निकलने लगती हैं। ऐसा पौधे में उपस्थित पादप हार्मोन ऑक्सिन के कारण होता है। ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है, जैसे आप उसे काट लेंगे तो वो और अच्छे तरीके से फूटता है। या ऐसे समझो आप, जैसे आदमी है, आदमी अगर मतलब तगड़ा होना चाह रहा है तो वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, ज़्यादा कोशिकाएं मरेंगी तो अगली नई ज़्यादा कोशिकाएं बनती हैं, जिसके कारण आदमी का शरीर बढ़ता है। जिम वाले पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन से ऑक्सिन, जिब्रेलिनिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एम्ल और एथिलीन पादप हार्मोन्स के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ये हार्मोन सर इसके कार्य हैं। ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं, ठीक है। जिब्रेलिन, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं, यह अंगूरों को आकार और उनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल, यह रंध्र को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, यह पत्तियों को झड़ने में भी सहायता देता है। एथिलीन, यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या क्या सीखा है? कोशिकाओं में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन का कार्य होता है इसका, कार्य ऊर्जा का निर्माण एवं संग्रहण है।
पादप कोशिका कोशिका भित्ति ढकी होती है, इसमें हरित लिपिक नामक विशिष्ट कोशिकांग पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। समान रचना एवं उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य होता है ऊतक कहलाता है। पौधों के ऊतकों को दो समूह में बांटा जाता है, प्रविभाजी प्रविभाजी और स्थायी। जंतुओं के ऊतक कई प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम संयोजी पेशी और तंत्रिका। एपिथीलियम वही होते हैं जो आंतरिक भाव की रक्षा करते हैं। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने के कार्य दो तंत्रिका द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन आदि पादप हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी क्लास की, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, मैंने इतना एंटिसिपेट नहीं करा था, 55 मिनट की क्लास हो गई, नहीं तो मैं एक गैप दे देता बीच में। तो अगर आपको ये कक्षाएँ आपके सपने को पाने में आपकी मदद कर रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, और अच्छा लग रहा है कि दो किताबें एक तरीके से पढ़ रहे हैं हम, कुछ चीज़ छोड़ते हुए नहीं चल रहे हैं, सारी यूनिट कंप्लीट करते चल रहे हैं, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, इतनी लंबी बात करने का यही मतलब है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना पसंद आई हो, तो कोई क्वेरी हो या कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और आगे क्या करेंगे हम, आगे हम करेंगे अगली यूनिट ऑफकोर्स जो है हमारी यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ग्रोवर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।